कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हमीरपुर के भोरंज में महिला मोर्चा के सम्मेलन के बाद सांसद अनुराग ठाकुर ने चुनावी घोषणा पत्र पर चुटकी ली है और कहा कि कांग्रेस हर बार झूठे वायदे जनता से करती है फिर मुकर जाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी केवल वायदे करते हैं और लूटते हैं और हिमाचल जैसे राज्यों को कर्जे में डुबाते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को वापस नहीं लाना चाहती है और पिछली बार 44 सीटें थी मगर इस बार इतनी भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जब देश पर आतंकी हमलों के बाद मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो आतंकवादी भाग गए, वहीं अब देश के चुनाव आए हैं तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ भाग गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने केवल आज दिन तक वायदे ही किए हैं और कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ने देश से मुक्ति पाई है और अब जनता कांग्रेस को कतई पसंद नहीं करती है। कांग्रेस के राज में गरीबी तो मिटी नहीं बल्कि करीब मिट गए हैं। कांग्रेस झूठ के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। राहुल गांधी जी की एक बात कभी दूसरी बार रिपीट नहीं होती, वो नई बात करते हैं। कांग्रेस ने 55 साल पहले कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, गरीब मिट गया। कांग्रेस कहती खाते में पैसा डालेंगे। इंदिरा जी ने कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, ना उनसे बैंक खाते खुल पाए ना बैंकों में पैसा डलवा पाए। ये कांग्रेस चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे करती है फिर मुकर जाती है। इन्होंने हिमाचल में कहा था हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दे पाए। ये केवल वायदे करते हैं, लूटते हैं, सत्ता का आनंद उठाते हैं, हिमाचल जैसे राज्यों को कर्जे में डुबाते हैं और पूरे देश को तो लूट कर खोखला कर दिया। अब देश ने कांग्रेस से मुक्ति पाई है, कभी वापस कांग्रेस को नहीं लाएगा। और राहुल गांधी जी पिछली बार 44 थी, इसलिए बार 44 भी नहीं पा पाओगे। अगर आपको इतना ही ताकत होती, कांग्रेस पे भरोसा होता, लोग आपको वोट देने लगते तो एक और मोदी की स्ट्राइक जो मोदी ने सेना के माध्यम से बालाकोट में कराई तो आतंकवादी छोड़कर भाग गए। अब देश में चुनाव आए तो राहुल गांधी मिट्टी छोड़कर भाग गए।